एक कंपनी स्पोर्ट लाइन में काम कर रही हूँ। सुपरवाइजर हमें पैसे नहीं देता, 3 महीना से तनख्वाह रोक रखे हैं सर। अच्छा, छोटा छोटा बच्चा है, दो घर वाला मेरा रिक्शा चलाता है सर, कभी चलता है काम। अभी लॉकडाउन उसने एक बंदे को बुला लिया, कह रहे हैं कि जाओ इसके साथ में तुम अपना गलत काम करो। सर बहुत दुखी, मतलब आने के लिए घर में कुछ भी नहीं है सर, पैसे देते हूँ मांगने के लिए पैसे बोलता है, यहाँ गलत नहीं गया सर, देखते हैं सर। भाई क्या कर रहा है, उसने तीन तीन ये तो नहीं है, यही है, पूछ लेते भाई। चलो मैडम, आप ही हो क्या? अच्छा जी सर, मैं एक कंपनी स्पोर्ट लाइन में काम कर रही हूँ। सुपरवाइजर हमें पैसे नहीं देता, 3 महीना से तनख्वाह रोक रखे हैं सर। अच्छा। खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है सर, पैसे देते हूँ मांगने के लिए पैसे बोलता है, यहाँ गलत नहीं गया सर, देखते हैं सर। कौन सुपरवाइजर आपका? जी सर। और आप? अब सर क्या कर सकते हैं, 3 महीने से अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो बच्चे तो मेरे भूखे मर जाएंगे सर, मजबूरी है तो इसलिए करना पड़ता है। और अगर हम जाए भी अंदर तो कहीं हाथ लगा रहा है, कहीं टच कर रहा है सर, बहुत बेकार है वो हमारे सर जो है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बता भी नहीं सकते कि कहाँ वो टच करता है। और ऊपर से देखो तो हमें ऐसे निगाह से देखता है कि ऐसे बोलता है कि हम तुम्हारे को यहाँ किसी के पास भेज देंगे, किसी के पास ऐसा कर देंगे, ऐसी बातें करता है। हाँ ऐसे बातें करता है। और देखो तो ऊपर से हमें धमकी भी देता है, बोलता है कि 3 महीने का सैलरी तो दिया नहीं, और भी सैलरी हम देंगे नहीं तुमको सर। हमारा बॉस कुछ नहीं बोलता क्या? नहीं बॉस कुछ नहीं बोलते हैं, एक्चुअली मैं उनसे नीचे पोस्ट पे हूँ तो मेरा भी है सुपरवाइजर से, तो मेरा ये की मतलब उनकी हर बात मुझे माननी पड़ती है, उनको उनकी हर बात का ऑर्डर या जो भी हो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला है नहीं, मैं ही अकेली हूँ, इस वजह से मेरी मजबूरी है कि मैं काम कर रही हूँ। और कहते हैं कि अगर तूने काम छोड़ा, ये जो मदद करती है हमारी उसको भी धमकी देता रहता है। कहते हैं लोगों से दूर रहे, इन लोगों की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाह के मैं लोगों के कुछ सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, इनसे ज्यादा तो मेरे पे गलत नजर रखते हैं, जाते ही उनका मतलब रहता है कि कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ मैं उनसे। तो तीनों की आपकी मतलब सैलरी वगैरह नहीं मिली है? सैलरी भी नहीं मिली है। और तीनों का ही मतलब वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है आप लोगों के साथ? कल तो सर इतना बड़ा उसने एक बंदे को बुला लिया, कह रहा है कि जाओ इसके साथ में तुम अपना गलत काम करो। सर बहुत दुखी, मतलब परेशान हो गया। मैंने मना भी किया, समझाया कि गरीब लोगों को ऐसे नहीं करते, तो कह रहे तू चुप रह, तेरे साथ में बेचा मेरा छोटा छोटा बच्चा है, दो घर वाला मेरा रिक्शा चलाता है सर, कभी चलता है काम। अभी लॉकडाउन में बंद हो गया, काम नहीं उतना ले पाता सर, कहाँ उतना नगद पैसे आता, हम भी कमाते थोड़ा सपोर्ट करती हूँ पति, तो ये भी कंपनी पैसे हमें नहीं देते सर। सही बात है, क्या करूँ मैं? तो अभी मिलेगा कहाँ पे आपका सुपरवाइजर? अंदर मिलेगा, ऑफिस में बैठा है। इधर ही है क्या? सर ऑफिस है। चलो आओ, सुनो पहले आप लोग चलो, उसके बाद में पीछे से देखता हूँ, ये कैमरा हम ऑन रखेंगे ठीक है, फिर उसके बाद में आता हूँ। लेकिन सर हम भरोसे पे आप ही के ऊपर है। अरे कोई नहीं, मैं हूँ ना, चलो तुम चलो चलो तो सही, देखेगा उसको सुपरवाइजर को, भाई आज उसकी क्लास ही लेते देखते। चलो पर हम थोड़ा पीछे रहेंगे, पहले आप लोग जाओ ठीक है, पहले हम देखे तो सही की भाई जो तुम बोल रहे हो सही भी है नहीं है ना भाई? नहीं सर आप देखिएगा, वो बिल्कुल गलत ये छोटे घर में पहले आपने लोगों की सैलरी तो दीजिए। अच्छा ठीक है, इनकी सैलरी चाहिए जी
आपके है ना, मैं नए काम है आपके लिए मेरे पास। सर काम बाद में करिएगा, लेकिन पहले सैलरी दे दो। नहीं सर, आज मुझे पहले सैलरी चाहिए। आज छोड़िए, आज मेरी बात तो सुनिए, टच मत करिए अपने। आपको सैलरी नहीं चाहिए? आप मेरे सैलरी बोल दो प्लीज। जी सर जी, ठीक है। तो आप अपने दोनों के काम में बता रहे हो, तो सर अंदर क्या बताएंगे? अंदर क्या बताएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं सर, आपको सैलरी नहीं चाहिए। जॉब करते करते पैसे कैसे मरवानी है? पहले कितने महीने का रह रहा है? 3 महीने पहले का रह रहा है सर। भाई आप दोनों का रहना जी, भाई क्या करना है? उसने 3 दिन थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करिए आप। हां छोड़ के आप आगे चलिए, हम कुछ रहेगा आप छोड़। आपको आइए कहाँ जाए सर? अब मैं कहने के लिए आया हूँ। कहाँ दे सैलरी दीजिएगा सर? कहाँ दीजिए सैलरी सर? भाई काम करते हो मेरे पास? कौन सी सैलरी दे रहे हो? काम की तो अंदर कौन से क्या है? अंदर कौन सा काम है? सर ये दिखा। अरे चेक दूंगा मैं उनको। हाँ तो दे चेक दे। क्या इसमें? कुछ नहीं है। अरे 20 रुपए तेरी जेब में। अरे दूंगा भाई उनको, बोले तो थोड़ी ना है। बोल तो उनको वो काम करते मेरे साथ। सारे लड़े 3 महीने की सैलरी भी नहीं दी हुई है। और ऊपर से क्या कर रहा है? तू मत कर, तू मत कर। अरे बैठ बैठ नीचे, अब मारो मारो तीनों मारो, ज्यादा हाथ लगा तू ना। तुम्हारा बॉस नहीं सुन रहा था? तुम्हारी नहीं सुन रहा था ना बॉस? तुम्हारी अब सुनेगा, अब सुनेगा। वो पता क्या सुनेगा? जो कर रहा था ना इनके साथ हरकतें, ये सारी रिकॉर्ड हो रही है, सारी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड। कैमरा बंद करा दे भाई, मैं सैलरी दे दूंगा इनकी। क्या मैं दे दूंगा इनकी सैलरी? दे दूंगा। कहां से देगा? मैं दे दूंगा इनके तीनों पैसा। कौन नहीं देगा? तू तो नहीं देगा। अबे काम है तो कंपनी में नहीं करता। अबे प्लस डाल दे दूं भाई। पैसे निकाल जल्दी निकाल भाई, मैं इनकी सैलरी दे रहा हूं। हां निकाल जल्दी निकाल, जितने भी है निकाल। यही है मेरे पास अभी तो, बाकी मैं बाद में अपने लोग सारे काट लूंगी जी सर। बुला उसको भी, उसको भी दिखा दे, इसकी सब उसको भी दिखा दो सारे की सब। तो सर आपको ऑफिस में आना पड़ेगा जी, अर्जेंट है एक्चुअली, कंपनी में कोई इशू हो गया। ओके जल्दी आ रहे हैं ना, पुलिस को भी कॉल कर। भाई पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? हैं पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है भाई? सैलरी दे तो दिया। नहीं तो इनको कर रहा था ना, इनको अब ले, अब ले जा कमरे में। नहीं भाई नहीं, ले जा कमरे में, आ कमरे में। बहुत घटिया इंसान है, ले जा कमरे में। बहुत घटिया इंसान है। क्या दे देगा तू? जो पैसे बचे हुए वो भी दे दूंगा इनकी सैलरी। आ रहे ना तो भाई आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है? इतना इनका बॉस भी आ रहा है और हमने थाने में कॉल कर दिया, तो सब आ रहे हैं, ठीक है? तो जो भी होगा उसको बताएंगे बाद में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। अब तो आप लोग खुश हो जी सर? थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पैसे दिलाते वजह हमें दिलाए उनके लिए, बहुत 3 महीने तक परेशान थी, मेरे बच्चों के लिए बहुत परेशान थी मैं। भाई उसको तो थाने भेज दिया हमने और उसकी इनके बॉस ने उसको नौकरी से भी निकाल दिया।
अब आप लोग इस कंपनी में काम करोगे नहीं करोगे? सर आपने उसकी हमारी इतनी मदद करी तो आप जरूर करेंगे सर, आगे के लिए आप हमारे ध्यान रखिएगा भाई। और अगर कोई भी अगर इस तरीके से करता है तो आप बोलना जरूर, ठीक है? जरूरत नहीं है कि मैं हूँ ना हूँ, पहले खुद की आवाज उठाओ क्योंकि एक लड़की की आवाज बहुत होती है, ठीक है? हमने आवाज उठाई थी पर हमारी आवाज दबा दी थी ना। अरे अब भी देखो, अब भी आपने मारा ना तीनों को, तीनों को मार, तीनों ने मुझे देखो एक साथ तीन हाथ हुए मारा उसको, अकल आई उसके ठिकाने और बाकी उसकी आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है? लोग खुशी खुशी अपने घर जाओ।